हेलो गाइज, एसएससी एमटीएस एंड हवलदार का ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हो गया है और इसको आवेदन कैसे करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में पूरा हम कंप्लीट प्रोसेस आपको हम बतलाएंगे कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है मोबाइल से। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं और आपको हम पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको हम बतलाते हैं। तो हमारे चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम में आ जाना है, उसके बाद सर्च बार में लिखना है एसएससी, लिखकर जो सर्च मारना है, फिर नीचे आ जाना है, फिर फर्स्ट बार में फिर वेबसाइट देखने को मिलेगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, इसी पर आपको क्लिक करना है। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ पर अपना है जो यूजर, फिर यहाँ पर अपना यूजर नेम यानी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, यहाँ पर पासवर्ड को डाल देना है और यहाँ पर इस कैप्चा को जो डाल देना है और फिर यहाँ पर लॉगिन पर जो क्लिक करना है, यहाँ पर इस कैप्चा को जो फिल कर देना है। अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो सबसे पहले अपना न्यू यूजर यानी न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, तो आप लोग कर लीजिएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। चलिए हम सीधे फॉर्म को फिलअप करके आपको हम दिखलाते हैं। चलिए हम इसको मैं रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट को फिलअप कर लेते हैं। चलिए हम रजिस्ट्रेशन नंबर पासपोर्ट को फिलअप कर लिए हैं और यहाँ पर अपना कैप्चा हो जाओ फिल कर लेते हैं। चलिए हम कैप्चा को फिल कर लिए हैं, अब यहाँ पर लॉगिन पर है जो क्लिक करते हैं। तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर आपका नाम है जो देखने को मिलेगा। तो नीचे आ जाना है, फिर यहाँ पर दिया गया है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार, यहाँ पर दिया गया है अप्लाई का ऑप्शन, इसी पर क्लिक करना है। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर अपना डाटा है जो फिल रहेगा पहले से, इसको छोड़ देना है, सीधे डायरेक्ट है जो नीचे आ जाना है। फिर डायरेक्ट आ जाना है आपको 15 नंबर पर, जो कि यहाँ पर दिया गया है 15 नंबर। तो यहाँ पर अपना सेंटर जो चूज करना है 3 गो, आपका जो भी आपका सेंटर चूज करना चाहते हैं तो अपने इसमें सेंटर जो 3 गो चूज कर लेना है। यहाँ पर अपना मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस एग्जामिनेशन का मीडियम अपना चूज करना है, हिंदी या इंग्लिश इसमें दिया रहेगा तो इसमें से अपना मीडियम जो चूज कर लेना है इसमें से क्लिक करके। फिर इसको मैं वेरीफाई करना है इसी को। फिर यहाँ पर अपना यहाँ पर दिया गया एक सर्विस मैन, अगर आप एक सर्विस मैन हैं तो यस करेंगे और अगर आप एक सर्विस मैन नहीं है तो नो पर रहने देंगे। फिर इसमें नहीं भरना है, फिर नीचे आ जाना है, इधर डायरेक्ट आ जाना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर भी कुछ नहीं भरना है इसमें, इसमें समय खाली छोड़ देना है, ये पहले से बंद रहेगा, इसमें फिल नहीं होगा। फिर यहाँ पर आ जाना है 18 नंबर पर, यहाँ पर दिया गया है इसमें यस या नो कुछ भी कर सकते हैं, नो पर ही रहने देना है तो अच्छा रहेगा। फिर नीचे आ जाना है, फिर यहाँ पर डायरेक्ट आपको आ जाना है, फिर यहाँ पर इसे अपना 18 नंबर में जाना है, फिर यहाँ पर इसे अपना मीडियम में चूज कर लेना है हिंदी या इंग्लिश। फिर यहाँ पर आपका एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर एज नहीं चाहिए तो नो पर रहने देना है। अगर आप यस पर टिक करते हैं तो इसमें से अपना चूज करना है जो भी अपना कैटेगरी होगा उसके लिए यहाँ पर छूट दिया जाता है, एससी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, इस तरह का इसमें ऑप्शन आएगा तो इसमें से चूज कर लेना है। अगर आप नो पर टिक करते हैं तो इसमें चूज नहीं करना है, छोड़ देना है। फिर यहाँ पर अपना स्टेट का कोड डालना है इसमें, जो कि यहाँ पर दिया गया है इस बॉक्स में, यहाँ पर सारा बॉक्स में जो अपना स्टेट का यहाँ पर कोड है जो डाल देना है, जो कि इसमें दिया गया है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर दिया गया है पहला में दिया गया है चंडीगढ़, तो यहाँ पर कोड इसको डालना है 11 12 13, इसी को डालना है। अब पहले नाम पर जो भी डालना चाहते हैं तो अपना डाल देना है, जैसे कि हमको डालना है उड़ीसा एमटीएस में, तो यहाँ पर पहले नाम पर अपना डाल देना है कोड नंबर 32 जो डाल देना है। फिर इसी तरह सौंसे में जो डाल देना है,
फिर इसमें अपना क्वालिफिकेशन चूज करना है, आपका हायर क्वालिफिकेशन क्या है, आप इंटर पास हैं तो इंटर चूज करना है, अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो ग्रेजुएशन इसमें चूज करना है, अगर सिर्फ मैट्रिक पास है तो इसमें मैट्रिक ही चूज करना है। यहाँ पर डिटेल को भरना है, डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशन, और फिर यहाँ पर अपना स्टेट से चूज करना है, पास या अपेयरिंग है जो इसमें पासिंग ईयर चूज करना है, और यहाँ पर बोर्ड का नाम है जो यहाँ पर चूज करना है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम चूज करना है, यहाँ पर रोल नंबर डालना है, यहाँ पर परसेंटेज जो फिल कर देना है, फिर नीचे जाना है, फिर यहाँ पर अपना यस या नो में कुछ भी डाल सकते हैं, चलिए हम नो पर रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर नीचे आ जाना है, यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है, क्योंकि यहाँ पर डेट भी दिया गया है 21 अप्रैल के बाद ही रहना चाहिए फ़ोटो और सिग्नेचर, क्योंकि यहाँ पर 20 KB से 50 KB के बीच में रहना चाहिए फ़ोटो, तो यहाँ पर क्लिक करके अपना फ़ोटो जो चूज कर लेना है, और यहाँ पर सिग्नेचर भी दिया गया है 10 KB से 20 KB के बीच में रहना चाहिए, यहाँ पर चूज करके अपना सिग्नेचर जो अपलोड कर देना है, और यहाँ पर यस पर जो चूज कर देना है, यहाँ पर यस पर ही रन देना है, अगर आप नो पर चूज करते हैं तो आपका फॉर्म जो रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए यस पर ही जो रहने देना है। फिर नीचे जाना है, फिर यहाँ पर टी कोड करना है आई एग्री पर, फिर यहाँ पर इस कैप्चा का जो फिल कर देना है, फिर प्रीव्यू पर क्लिक करना है, तो चलिए हम भर कर क्लिक कर लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको फ़ोटो जो इस तरह का आपको रहना चाहिए, जो कि इस तरह का नहीं रहना चाहिए, बैकग्राउंड में देख सकते हैं इसमें ऐसा दिया गया, इसमें ऐसा दिया गया, इसमें ऐसा दिया गया है, इसमें ऐसा दिया गया, तो इस तरह का आपका फ़ोटो नहीं रहना चाहिए, ना तो आपका फॉर्म जो रिजेक्ट हो जाएगा, अगर आप चश्मा पहन के डालते हैं तो आपका फॉर्म जो रिजेक्ट हो जाएगा, तो सिर्फ इस तरह का आपका फ़ोटो जो अपलोड करना है इस तरह का। चलिए हम फिलअप करते हैं फॉर्म को, तो आप जैसे ही प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का प्रीव्यू दिखाएगा, फिर से इस तरह का जो कि आपको देखने को मिलेगा, फिर नीचे आ जाना है स्क्रॉल डाउन करते हुए, फिर यहाँ पर आपका फ़ोटो जो देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पर सिग्नेचर, फिर आपका अगर कुछ गलती हो गया है फॉर्म भरने में तो यहाँ पर सुधार भी कर सकते हैं, आपका फॉर्म सही है तो यहाँ पर सीधे सबमिट कर देना है, तो चलिए हम सबमिट पर क्लिक करते हैं, तो आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं फिर आपको यहाँ पर ओके पर है जो क्लिक करना है, तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, फिर ओके पर जैसे ही क्लिक करते हैं फिर यहाँ पर ही अपना यस पर है जो क्लिक करना है, और अपना पेमेंट का है जो कर देना है, चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, और अगर आप प्रिंट भी लेना चाहते हैं तो पर प्रिंट भी ले सकते हैं, तो अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए।